सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1.5 डेज प्लानर फॉर सीए इंटर ऑडिट एंड एश्योरेंस. कि अगर हम ऑडिट के पेपर की बात करें सीए इंटर के अंदर, राइट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर की बात करें, तो जो 1.5 डेज का समय है एग्जाम से पहले, हम उस 1.5 डेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें. और सबसे पहली चीज कि यार ये जो शेड्यूल है ये कंप्लीटली टेंटेटिव है. दूसरी चीज, मैं हर बच्चे को एडवाइस करता हूँ कि यार सबसे बेस्ट तो यही रहता है, सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप लोग अपने खुद के शेड्यूल बनाएं, अपने खुद के शेड्यूल फॉलो करें एज पर योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जिनको एक गाइडेंस चाहिए अपने शेड्यूल को बनाने के लिए, कि हम मेंटर्स की जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करें, वरना बेस्ट तो यही रहेगा कि आप खुद अपने शेड्यूल को बनाएं. हो सकता है कि किसी टॉपिक के अंदर मैंने मान लीजिए 2 घंटे दिए हैं, वो टॉपिक आपका वीक है, आपको उसमें 3 घंटे चाहिए. कोई टॉपिक जिसमें मैंने 2 घंटे दिए हैं, वो टॉपिक आपको बहुत स्ट्रांग है, आपको उसमें सिर्फ 1 घंटे ही चाहिए. तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. सिक्वेंसिंग भी, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप पार्टिकुलरली चाहते हो कि एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले आपको रिवाइज करना है, वरना आपको याद नहीं रहने वाला, तो अकॉर्डिंगली आप उस टॉपिक को 2 घंटे पहले रख सकते हो. तो द टॉपिक कैन बी कंप्लीटली कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड्स. दिस वीडियो यू कैन जस्ट रेफर फॉर ए टेंटेटिव शेड्यूल की ओके दिस इज द शेड्यूल, इफ आई वॉन्ट आई कैन फॉलो दिस. ये शेड्यूल आपको कहां से मिल जाएगा? ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा www.apnamental.com में फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट के अंदर. और साथ ही साथ हमारा सीए इंटर का जो टेलीग्राम चैनल है लॉ एंड ऑडिट पाठशाला बाय सीए सानिध्य सराफ, वहां पे भी ये जो शेड्यूल है वो शेयर हो जाएगा. आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए. इस YouTube चैनल के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीए इंटर ऑडिट के प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगी. स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, जहां पे हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को 2.5-3 घंटे में रिवाइज किया है. कारो 16 का वीडियो अवेलेबल है, जहां पे कारो 16 को हमने 20 मिनट्स में रिवाइज किया है. कंपनी ऑडिट का वीडियो अवेलेबल है, जहां पे कंपनी ऑडिट को हमने 20-25 मिनट में रिवाइज किया है, राइट? कंपनी ऑडिट के इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोस हैं. अभी रिसेंट वीडियो एक और मैंने डाला है जिसके अंदर मैंने पूरा कंपनी ऑडिट आपको 40 मिनट में रिवाइज कराया है. कंपनी अकाउंट्स के सेक्शन नंबर्स को लर्न करने के वीडियोस हैं, कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर्स को लर्न करने के वीडियोस हैं. ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का भी एक वीडियो है. अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो मैंने काफी चैप्टर्स के ऑडियो क्लिप्स भी शेयर कर रखे हैं. स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऑडियो क्लिप शेयर कर रखे हैं, कंपनी ऑडिट के शेयर कर रखे हैं, कारो के शेयर कर रखे हैं, कंपनी अकाउंट्स के शेयर कर रखे हैं, डिविडेंड के शेयर कर रखे हैं, कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स जिनके शेयर कर रखे हैं. तो दोज ऑल स्टडी रिसोर्सेज विल हेल्प यू टू ईज योर प्रिपरेशन एंड रिवाइज द ऑडिट इन लेस टाइम मैनर, राइट? कम समय के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. एक चीज और मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ स्ट्रांगली, कि आप लोग एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो यार, कि कोई भी एग्जाम आप जब देने चाहते हो, एक तो कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेकर ही जाते हो. एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप आपको लेकर जाना ही जाना है. एग्जाम हॉल में जाने से 2 घंटे पहले आपने अपनी किताब बंद कर देनी है और कम से कम 10 मिनट मेडिटेट करके एग्जाम हॉल में जाना है. एंड अनदर थिंग, जैसे आप अपने एग्जाम देते हो 5 बजे, उसके बाद अब वो जो पेपर है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करोगे, किसी टीचर के साथ डिस्कस नहीं करोगे, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ चेंज डिस्कस नहीं करोगे. सीधा एग्जाम देकर सीधे अपने घर की तरफ जाओगे और सीधा घर जाकर यू विल ईट समथिंग एंड यू विल टेक ए गुड रेस्ट ऑफ 1 आवर एंड यू विल स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम 7 PM एंड देन 7 PM टिल नाइट यू आर गोइंग टू स्टडी विद डेडिकेशन. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो इन एवरी सब्जेक्ट. एक लास्ट चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द शेड्यूल, कि यार 1.5 डेज के अंदर आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको 1.5 डेज में अपने शेड्यूल को रिवाइज करना है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली अपने स्टार्टिंग से अपने लिए कोई कंसाइज नोट या तो बना रखे हो या फिर आपके टीचर ने आपको कंसाइज मटेरियल दे रखा हो. जैसे मेरा जो ऑडिट का कॉन्सेप्ट बुक है वो अपने आप में 400 पेज का है खाली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अदर थिंग, डोंट फॉलो वर्ड बाय वर्ड अप्रोच. कभी भी एग्जाम से पहले 1.5 डेज के समय के अंदर आप वर्ड बाय वर्ड अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते हो. अगर आप वर्ड बाय वर्ड अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. शब्द बाय शब्द कभी रीड नहीं करना. मान लीजिए कंपनी ऑडिट है तो सेक्शन 139 का अपने पेज निकाला, रिकॉल करो, अच्छा सेक्शन 139 में क्या क्या था. अपॉइंटमेंट था, रोटेशन था, कैजुअल वैकेंसी था, डिम्ड रीअपॉइंटमेंट था. अब अंदर के प्रोविजंस रिकॉल करो. आप सपोज रिकॉल कर पा रहे हो कि फर्स्ट ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया था, सबसिक्वेंट ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया था, कैजुअल वैकेंसी का क्या प्रोविजन था, रोटेशन का क्या प्रोविजन था, तो आपको उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करने की जरूरत नहीं है, फटाफट उसको ग्लैंस करके आगे बढ़ सकते हो. लेकिन मान लीजिए रोटेशन किस पे एप्लीकेबल था, आप कंफ्यूज हो रहे हो, याद नहीं आ रहा, तो आप उसको 5 बार देखिए. तो अकॉर्डिंगली दिस इज द टेक्निक दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इन द एंटायर ऑडिट सब्जेक्ट. क्लियर है? तो ये कुछ कॉमन बातें हैं सर जो आपको ध्यान रखनी है. अब स्टार्ट करते हैं अपने शेड्यूल से. ये शेड्यूल आपको कहां मिल जाएगा? वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, www.apnamental.com के फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. तो सबसे पहले मैं एडवाइस करता हूं आपको
कि आप एग्जाम से आकर अपना जो भी प्रीवियस एग्जाम है उसके बाद आकर 7 PM to 12 PM का एक स्लॉट बनाइए, और उसके अंदर सबसे पहले तो कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 15 मार्क्स, तो कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लीजिए, उसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर लीजिए अलॉन्ग विद एस एस 700 सीरीज, तो कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लीजिए, कंपनी ऑडिट के साथ कंपनी अकाउंट्स भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर लीजिए एस एस 700 सीरीज के साथ, कारो आ जाता है इसमें साथ में, उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। अब देखना ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज ना बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट डे आप थोड़े से थके हुए हैं, अब ऑलरेडी आप थोड़ा पढ़ भी चुके हो, तो मैंने इजी पार्ट रख दिया आपके लिए जो सिंपल पार्ट है, और अगले दिन मैंने फिर से आपके लिए जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के अंदर जो थोड़ा स्पेशलाइज्ड पार्ट है वो वाला पार्ट रखा है। तो फर्स्ट आप देखोगे मैंने सिंपल पार्ट रखा, ऑडिट ऑफ सिनेमा, ऑडिट ऑफ क्लब, हॉस्पिटल, एनजीओ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सिंपल पार्ट आप 1 घंटे में गो थ्रू कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद आप 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्लीप ले लीजिए। अगले दिन यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज अराउंड 7 AM। तीन टॉपिक्स मैंने आपको 3 घंटे में दिए हैं, ऐसे 520 के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चैप्टर, ऐसे 240 के साथ फ्रॉड वाला चैप्टर, ऐसे 530 के साथ ऑडिट सैम्पलिंग वाला चैप्टर, कुल मिलाकर 3 घंटे। जिस टॉपिक में आपका आप थोड़े से वीक हो आप थोड़ा सा उसमें ज्यादा लगा दीजिए, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसमें थोड़ा कम टाइम में कर सकते हो। उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है आपको, एक लाइट ब्रेकफास्ट कर लेनी है, हैवी कुछ नहीं खाना है वरना यू विल फॉल स्लीपी। उसके बाद यू कैन डू रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर अलॉन्ग विद ऐसे 300 सीरीज, दैट शुड आइडियली टेक 1.5 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद यू कैन डू 4 स्टैंडर्ड्स ऐसे 299, 560, 570, 610, 1 घंटा लगेगा एक स्टैंडर्ड में, मैक्सिमम 15 मिनट। जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 299 और 610 में कंपैरेटिवली कम समय लगना चाहिए, 560, 570 में कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगना चाहिए। फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, यू कैन हैव लाइट लंच, टेक रेस्ट, पावर नैप, मेडिटेशन, और फिर 2 से 6 का शेड्यूल मैंने जान के इसलिए रखा है क्योंकि जो एग्जाम का समय होता है वो हमारा 2 से 5 होता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जाम के समय में आप रेस्ट वाले जोन में जाओ, इसलिए मैंने एग्जाम वाला जो समय है वो आपके लिए यहां पे रख के रखा है कि आप इस समय एक्टिव रहेंगे, हैबिट डालने एक्टिव होने की। तो इस समय में मैंने आपके लिए इजी चैप्टर्स रखे हैं, नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट अलॉन्ग विद ऐसे 200 का सीरीज, नेचर ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस अलॉन्ग विद ऐसे 500 सीरीज। ठीक है, 500 की सीरीज में ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पे ऐसे 560, 570, वो ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, 520, 530 भी ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो जो बचे हुए स्टैंडर्ड्स है सिर्फ वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक आपने ले लिया, अगेन पावर नैप ले लिया, कुछ स्नैक्स खा लिए, चाय वगैरह पी लिया, फिर 6 बजे से अराउंड आपने स्टार्ट किया, फ्रेश होकर पावर नैप लेने के बाद आपने बैंक ऑडिट किया, बिकॉज दैट रिक्वायर्स फ्रेश माइंड, बैंक ऑडिट में 2 घंटा लगेगा। फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का जो दूसरा हिस्सा है जो आपने पहले दिन छोड़ दिया था, गवर्नमेंट ऑडिट्स, लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, LLPs, जो स्पेशलाइज पार्ट है, जो अगेन आप मान लीजिए कि आपका 2 घंटा लगेगा और बीच में 1 घंटे का ब्रेक, तो लगभग कितना हो गया, 11 बज गया। तो अब सोने से पहले आप क्या कर लो यार कि अभी तक जो हमने शेड्यूल फॉलो किया है अगर उसमें कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप वो टॉपिक को वहां रख लो, या फिर आपको कुछ भी टॉपिक्स वॉइस क्लिप के माध्यम से रिवाइज करने हैं आप उसे कर लीजिए, या आपको कोई टॉपिक दोबारा से रिवाइज करने का मन है आप उसको कर लीजिए। फिर अगेन टेक ए प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स बिफोर द एग्जाम डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 6 घंटे का स्लीप चाहिए ही चाहिए अपने को। उसके बाद 6 बजे उठना है और स्टार्ट कर देना है स्टडीज अराउंड 6:30 AM, एंड नाउ कम्स द एग्जाम डे, द बेटर डे। इसके अंदर मैंने सुबह सुबह 2 चैप्टर्स रखे हैं आपके लिए जो जनरली अपने को याद नहीं रहता अगर आप लास्ट मोमेंट में नहीं करते, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऐसे 250। ऐसे 250 आप पहले ही कर लेना यार, आइडियली मैंने यहाँ शेड्यूल में डाले ऑन द एग्जाम डे, बट आइडियली आप पहले ही कर लीजिएगा। और ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनरोलमेंट, ये भी ऐसा चैप्टर है जो आपको जनरली याद नहीं रहता, तो ये 2 चैप्टर्स के लिए कुल मिलाकर मैंने आपको 3.5 आवर्स दिया है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि किसमें कितना समय लगाना है। जनरली जो मेरा मानना है कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 2 घंटा काफी है और ऑटोमेटेड एनरोलमेंट के लिए 1.5 घंटा काफी है। फिर 15 मिनट का ब्रेक हो गया, 10:15 तक आपने स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अमेंडमेंट्स कर लोगे पिछले 2 अटेम्प्ट्स के, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं कंपनी ऑडिट में, कंपनी अकाउंट्स में, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे के नेम्स हैं, ऐसे के नंबर्स हैं, वो सारा कुछ आप रिवाइज कर लो, और फिर 11 से 12 अपने लिए एक बफर टाइम रखो। इस बफर टाइम के अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हो जो आपने मार्क कर रखे हैं पहले से, या फिर आप पेज नंबर टर्न करने का अप्रोच फॉलो कर सकते हो, जो मैं क्या करता था एज अ स्टूडेंट, जस्ट टर्न द पेजेस, आखिरी का 1.5 घंटा से पेज टर्न करते जाओ, पेज टर्न करते जाओ, देखो अच्छा ये पेज देखे मेरे को कंफर्ट आ रहा है, कोई बात नहीं टर्न इन द नेक्स्ट पेज, कंफर्ट आ रहा है टर्न इन द नेक्स्ट पेज, कंफर्ट नहीं आ रहा थोड़ा आंख घुमा लिया, देख लिया वहां पे, तो बहुत कॉन्फिडेंस देता है ये चीज अपने को, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, दिस वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद मेक श्योर कि 12:30 के बाद आप पढ़ाई नहीं करोगे,
12:30 के बाद इफ पॉसिबल आप पढ़ाई नहीं करोगे, देन टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, भगवान की ब्लेसिंग्स लें, एंड उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर टाइमली पहुंच जाएं। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने के बाद मेक श्योर दैट टेंशन नहीं लेना है अपने को, टेंशन नहीं लेना है, पेपर आपके सामने आएगा, पेपर ज्यादा ईजी लगेगा तो एक्साइटेड नहीं होना बहुत ज्यादा, पेपर अगर टफ आएगा तो अपने को डरना नहीं है, एक्साइटेड हो गए गलतियां करोगे, डर जाओगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। जितना भी पेपर टफ हो 40 से 50 नंबर तो तुम्हारे जोन में होगा, उस 40 से 50 नंबर के अंदर पहले ढंग के मार्क्स लाने की कोशिश करो, फिर बचे हुए पेपर में दिमाग लगाना, उसमें भी अच्छा कर लोगे, लेकिन डर गए तो जहां आता है वहां भी गलती कर दोगे। सो दैट इज समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। 15 मिनट का रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड देन मेक श्योर कि एग्जाम के अंदर आप पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम को लिख कर आए, और फिर एग्जाम देने के बाद दोस्तों के साथ डिस्कशन बिल्कुल ना करें, सीधा घर चले जाएं, बिकॉज आपको अगले सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करनी। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो शेड्यूल है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आपको लगता है कि इस शेड्यूल से कुछ बातें आप ले सकते हो तो आप अकॉर्डिंगली कुछ बातें ले सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। और बाकी यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उतना प्यार जरूर दिखा देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। होपफुली दिस शेड्यूल वॉज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। माई स्टडी रिसोर्सेज, माई रिविजनरी वीडियोज, माई ऑडियो क्लिप्स, ऑल दोस आर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।